अरे भाई क्या बात है, ठीक ठाक हो? आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच रही, पहले नेटवर्क बहुत कमजोर है। नहीं, असल में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रही तो इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया। और बाकी आप खैरियत से? बस दुआ दुआ आप सुने। नहीं, कुछ लोगों को और इनवाइट मतलब किया था, वो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए चलो सोचा आपसे मुलाकात कर लेते हैं। नहीं, मुजफ्फर भाई नहीं जुड़ा। अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं, एक मुद्दे को लेकर हमने बात करनी है। ठीक है इसमें शुरू कीजिए आप। ये आप मुझे बताइए, ये जो आज सैलरी आई है कैजुअल लेबरर्स की, उसमें हमारे जो लैंड ओनर्स हैं उनका कोई मसला चल रहा है? ईद आगे से आने वाली है, 2-3 दिन रह रहे हैं। अभी हमने एक्सेन से भी जी बात करी थी गुंडों के, तो उसने ये कहा कि उनकी सैलरी का कोई ज्यादा बना, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी आपको। देखिए महाराज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक्स करता हूँ कि जिस शिद्दत से आप काम कर रहे हैं, और काफी सोशल मीडिया में काफी दिन से, एक हफ्ते से लगभग मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, तो जिस तरह आपने पेची वर्कर्स का भी मैंने अभी एक इजलास आपका देखा, और उसके अलावा जो अपने इलाके में अपने लोगों की जो आप आवाजें उठा रहे हो, उस तमाम जो एफर्ट्स आप लगा रहे हो, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक ऐसा लग रहा है कि खिताब चिनाब में कोई नई जो एक रोशनी के जो गरीब आवाम को जो किरण नजर आ रही है, वो मेराज मलिक के रूप में नजर आ रही। सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ आपको इस चीज के, जो आप गरीब लोगों के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। और दूसरा जो आपने शुक्रिया। मुझे आप ये कहा कि सैलरीज के बारे में, जो देखिए महाराज भाई साहब, आपको पता है कि 2014 से ही हम इस लड़ाई में कूदे हैं। जम्मू कश्मीर से 61,000 मुलाजमीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, इनकी आवाज हमने जम्मू की सड़कें हों, जम्मू पे, या इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना हो, हमने वहां पे भी पहुंचाया। और उसके बाद अलग अलग से जो सैलरी इनको सिर्फ, जो बाकी जितने भी एचआर फर्कस से डिलीजर्स हैं, इनको साल में सिर्फ 3 ही सैलरी मिलती थी। तो एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, एक लंबा संघर्ष करने के बाद जो है जी इनकी जो मंथली सैलरी स्टार्ट हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेट बीच में क्या हो कि कुछ कैटेगरी को डिफ्रेंशिएट करके क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जो है ये कहा कि आपकी 12 सिविल आइए और फिर आपको सैलरी दी जाए। और ये मसला पिछले 1 साल से, लास्ट कोविड से लेके अभी तक लगभग 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, इसी मसले में जो है इन्हें राइडर लगाया हुआ कुछ डिस्ट्रिक्टों में, जैसे डोडा है, रजौरी है, रामबन है, और कठुआ सामा, कुछ ऐसे थोड़े बहुत पे 1300 लोग ही आ रहे हैं इस फाल्डर में। लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं आ रही है कि जो लैंड ओनर से जिनने जमीनें दी हैं डिपार्टमेंट को, और जब अपने जब घर से बाप अपने बेटे को अलग करता है तो उसको हिस्से में उसकी जमीन मिलती है, तो वही जमीन उसने डिपार्टमेंट को दी, और कहीं ना कहीं आज डिपार्टमेंट को ये बोल रहा कि आप वोचर दीजिए। अरे डिपार्टमेंट को मैंने लास्ट टाइम जब हमारी मीटिंग थी, हमने उनको भी चीफ साहब को कहा था कि इन्हें अपनी जमीन दी है, अपनी मलकी जमीन दी, उसके बाद कौन से वोचर आप ढूंढ रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और इस आवाज को काफी ट्राइव हमें उठाया, हुकाम के साथ स्ट्राइक कैंप इसके ऊपर हुई, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर इस मसले को जो है ये 6 वोचर तक हमें लाया। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार जो है कंप्लीटली कंप्लीट जो इस इशू को बैन करे। अभी लास्ट हमारी चीफ इंजीनियर साहब से मीटिंग हुई थी इस इशू के ऊपर, और उन्हें 1 हफ्ते का टाइम हमसे मांगा है कि आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। होप है कि ईद से पहले पहले ये इशू हल हो जाए। और मेरी अपील है ये भी, जो वहां से एक्शन है गुंडों के, जो एक्शन आपके, उनसे मेरी अपील, मोहतबाना अपील रहेगी अगर उन तक ये आवाज जाती है, कि आप देखिए उसमें जिसने जमीनें दी, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घरों में बैठे हैं, ना वो एसोसिएशन के साथ चलते हैं, ना वो हाँ डिपार्टमेंट का काम करते हैं। तो मेरी अपील रहेगी एक्शन साहब से और वहां के जो अधिकार हैं कि वो सैलरी लेकिन फिलहाल उनको दीजिए जो काम कर रहे, जिन्हें जमीनें दी है, जो लोग घरों में बैठे हुए ये हैं, और तन्वीर घरों में साहब, बैठे। जी, बिल्कुल तन्वीर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी बात, आपको सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, खिताई जनाब की नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं उनके घर वालों की तरफ से और पूरी आवाम से आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि आपने ये जो मसला उठाया है और इसका जितना भी श्रेय मैं चाहूंगा वो आप ही के नाम जाता है, और एक उम्मीद की किरण आप भी नजर आए थे। एक वक्त था जब 370 हमारे पास था और एक जंग लड़ रहे थे आप, लेकिन ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है और गवर्नमेंट इस पे नजरसानी नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार और हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमारे को देख रहे होंगे, बहुत सारे व्यूवर्स होंगे, ये एक लड़ाई जिस तरीके से आपने लड़ी इसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन एक चीज यहां मैं बताना चाहूंगा,
जब तक ना हमारे पास एक पॉलिटिकल सेटअप, पॉलिटिकल ग्राउंड ऐसा होगा, जो पॉलिटिकल लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों को समझेंगे। अभी मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अभी हमारे जो नौजवान जो कैजुअल लेबरर्स में है, 60,000-70,000 के आसपास हमारा जवान इसमें उलझा हुआ है। अभी उनकी उम्रें किसी की 40 साल हो गई या 50 साल हो गई, कोई 10 साल से सर्विस में है, कोई 15 साल से सर्विस कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है उसका आगे का कोई प्लान, फ्यूचर प्लान नहीं बन पा रहा है। और वो एक आदमी फंसा हुआ है, जिस तरीके से मैं पीएचई कैजुअल लेबरर्स की बात करूं या कोई भी कैजुअल लेबरर्स हो, साल में एक दिन सैलरी दी जाती है या एक बार या दो बार सैलरी दी जाती है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो हमारे नाकाम हो रहे हैं और इन लोगों की जिंदगी जो है खत्म हो रही है और इस पर कोई बात नहीं हो रही है। इसके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप जो है पॉलिटिकल सपोर्ट भी ले लीजिए इसमें। जब तक ना आप पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे, जब तक ना वो कोई बिल पास करेंगे इनके लिए, तब तक इन लोगों का बेचारों का मसला हल होना मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है। हेलो जी जी हेलो जी जी बताइए तनवीर साहब। हेलो, हाँ आवाज, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही मेरा साहब, वहां से मेरी आवाज आपको मिल रही अच्छा, है? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए बताइए आप। आवाज बहुत बहुत कम आवाज आ रही है। हेलो, जी 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 आवाज आवाज आप तक पहुंच रही है मेरे साथ? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਭ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ਨ ਚ ਦੀਵਾਲ ਤੇ ਲੋਸਟ ਆਤੇ ਹੈ ਬੰਦ ਕੋ ਤਦ ਕੇ।